सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के चरणों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। ये कॉन्सेप्ट इसमें दो भाइयों का है, जो दो भाइयों का नाम होता है, एक जो बड़े होते हैं उनका नाम होता है बिरजू और जो छोटे होते हैं उनका नाम होता है भोला। तो भोला जो होता है वो आँख से अंधा हो जाता है और बिरजू जो बड़े होते हैं वो अपने जो है नशे में एक अलग चीज़ थे, जो कि भोला नाम का जो लड़का था वो बहुत ही कष्ट सहता था रोज़ हमेशा अपने बड़े भाइयों का। तो एक दिन क्या करता है, वो अपने घर से निकल जाता है माँ का प्रार्थना करते करते एक नई ज़िंदगी पाने के लिए, उसकी आँख की रोशनी के लिए। तो काफ़ी सारे पहाड़ों से गुजरते हुए, काफ़ी सारे चट्टानों से, काफ़ी सारे सीढ़ियों से गिरते हुए, झील झरनों से माँ के दरबार में पहुँचता है, जो कि माँ के यहाँ पर पहुँच के हाजिरी लगाता है। तो माँ के झंडे में जो उनका वास रहता है वहीं से ही उस भोले नाम लड़के का उनका रोशनी उसमें आता है। इसमें आप मेन लीड में हैं और जी मेरे भाई के किरदार में है श्री लकी कुमार कौशल जी जो बिरजू हैं, और मैं छोटा कौशिक द्विवेदी जो मैं भोला का कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें। किस तरह से गाना है और दर्शकों के लिए क्या संदेश जाएगा? ये एक माँ विंध्यवासिनी जी के नेम पे ही गाना है। इसमें संदेश एक ये है कि दो भाइयों का प्यार बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो कभी भी छोटा भाई चाहे जैसा भी हो बड़े भाई को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि उसको डेली टॉर्चर कर रहे हैं या फिर बदतमीजी से उससे पेश आए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये गाना मैंने सबसे पहले किया माँ काली खो के धाम पर, और फिर उसके बाद मैंने सेकंड किया सीताकुंड पे, फिर उसके बाद मैंने किया विंध्य पर्वत पर, फिर उसके बाद लास्ट मैंने एंडिंग किया माँ के दरबार पे चरणों में। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ कौशल जी हैं? मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, लकी कुमार कौशल जी को, जो हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं और हमेशा रहेंगे सपोर्ट रियल लाइफ में भी। जय जय माँ विंध्यवासिनी। और मैं अपने सभी भाइयों बहनों सभी को प्रणाम करता हूँ चरण छू के। पहले तो मैं अपने सभी यूनिट को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज मेरी यूनिट इतनी मजबूत थी कि मैं इतना सरलता से मेरा काम हुआ, इतना सरलता से इतने लोगों की भीड़ में कि माँ विंध्यवासिनी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम लोगों को। और हमारा छोटे भाई के रोल जो कर रहे हैं और मैं लीड कर रहे हैं, अभिनेता कौशिक द्विवेदी जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है इस समय, अच्छी पहचान है इनकी, इन्होंने कई मूवियाँ दिया है भोजपुरी फिल्म को, तो मैं चाहूँगा कि इनका फिर खूब सारा आशीर्वाद आप लोग दें। और एक माँ विंध्यवासिनी गाना है, माँ विंध्यवासिनी के नाम पे बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरत कि आप सुनेंगे एकदम भक्ति में लीन हो जाएंगे, भक्ति में लीन होने लायक गाना है एकदम। माता रानी के दरबार का सारा सूट है, काली खो का, उसके बाद सीताकुंड, अष्टभुजा और एक दो गांव का, फिर माता रानी के पूरे प्रांगण में है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस गाने को बहुत अच्छे से सुने और आप लोगों के सामने 5-7 दिन के अंदर आप लोग के सामने आ जाएगा गाना। ये सर सारे गामा एक कंपनी है, न्यू कंपनी कोई, उसी कंपनी से आएगा। और मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक एक बार सुने। खास सहयोग में पहले नाम लेना चाहता हूँ हमारे कमरान डीओपी, जो कि अहम भूमिका थी उनकी, मैं चाहूँगा को भी हमारे साथ खड़े रहें, और जो कि उन्होंने भी बहुत अच्छी थी, वो भी पहचान के मोहताज नहीं, उन्होंने वेब सीरीज कैट किए, कई पिक्चर भी किए, अब आज हमारे साथ अपना मूल्य समय निकाल के हमारे साथ एल्बम भी कर रहे हैं, और हमारी यूनिट अब हमारे साथ हमेशा रहेगी, हमारे साथ कमरान भाई रहेंगे। आइए मैं कमरान भाई से मुलाकात कराता हूँ। उसके बाद हम बहुत ही मेकअप आर्टिस्ट, कितने अच्छे आदमी, कितने सरल स्वभाव के, जिनका नाम है हमीद दादा, हमारे प्रॉपर यूपी के इलाहाबाद के ही हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि अगले बार सबको हम लोग साथ खड़े हों। डीओपी सर आ गए हमारे, मैं चाहूंगा एक बार इनसे सेट भी आपसे पूछें इनसे। सर आप कई दिनों से शूटिंग कर रहे हैं, इस गाने की खासियत क्या है, इतना क्या था कि कई लोकेशन और कई दिनों से शूटिंग करना ये गाने के लिए? एक्चुअली शूट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कौशिक सर ने मुझे सडनली एक दिन रात में फ़ोन किया, उन्होंने बोला कल मेरा शूट होना है,
तो मेरा एक शूट का शेड्यूल ऑलरेडी लगा था, बट मैं वो शूट कैंसिल करके मैंने कौशिक सर के शूट को मैंने डन किया, और मैं दो दिन से इनके साथ शूट कर रहा हूँ। इनका एक गाना है, भक्ति गीत है, माँ विंध्यवासिनी जी के ऊपर, और बहुत अच्छा इनके साथ काम करके अच्छा लगा। मैंने इनके साथ पहले भी काम किया है और अब भी काम कर रहा हूँ, आने वाले दिन में मैं इनके साथ लगातार काम करता रहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि कौशिक सर के साथ मैं काम करूँ। तो कौशिक जी बहुत ही अच्छे स्वभाव नेचर के हैं, इनका नेचर शुरू से ही बहुत मिलनसार रहा है सबसे, और इनके बारे में क्या ही कहा जाए, जितना तारीफ करूँ उतना कम है। कौशिक और कौशल ये जोड़ी, ये जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी कह सकते हैं। क्या बात है, ताली बजाओ।